आज हम बना रहे हैं भरमा करेले। भरमा करेले के लिए हम सबसे पहले करेले को धो के अच्छे से रख लेंगे। ये तैयार कर लिए मैंने धो के। करेला, हरी मिर्च, ये मैंने सरसों के दाने लिए हैं, साबुत, ये साबुत मैंने धनिया लिया है, ये साबुत सौंफ है, और ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, गुड़, जीरा, मेथी, ये खड़ा मसाला लिया मैंने, सफेद इलायची और लाल इलायची, ये सब्जी मसाला लिया है, ये है काली मिर्च और लौंग, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, ये हींग ली है, और ये स्वाद अनुसार हमें नमक यूज करना है। ये सारी सौदे मैंने ले ली हैं। मैं सबसे पहले ये जितने भी खड़े मसाले हैं सबको हल्का इनको भूनूंगी और फिर उसको मिक्सी में चला के पीस लूंगी। ये मैंने एक पैन ले लिया है जिसे मैं तेज आंच पे थोड़ा सा गरम कर लूंगी। मैं इसमें सारे मसालों को हल्का हल्का रोस्ट कर लूंगी। सबसे पहले मैं इसमें राई डालूंगी। राई को इस तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे। देखिए राई हल्की हल्की चटक रही है, ये भून चुकी है। अब इसमें मैं साबुत धनिया डालूंगी। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। गैस को थोड़ा हल्का कर देंगे और ये हम ऐसे भूनते रहेंगे। अब मैं इसमें सौंफ डालूंगी। इस तरह से हम चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाले चटक रहे हैं तो ये अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें मैं हल्का जीरा लूंगी। जीरा हमें फ्राई करने में भी यूज करना है और इसमें भी, और इसके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है मैं मेथी भी इसमें ऐड कर लूंगी। ये देखिए हमारे जो खड़े मसाले हैं ये अच्छे से भुन गए हैं। मैंने लौंग, काली मिर्च, सफेद इलायची, लाल इलायची, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं, हल्का इनमें कलर चेंज हो गया है। अब इन सबको हम मिक्सी में पीस लेंगे। गैस बंद कर दी है। चलिए अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। ये देखिए मैं इस जार में सारे मसाले इस तरह से कर लेती हूँ। ये देखिए सारे मसालों को मैं इसमें इकट्ठा करके पीस लूंगी। और इसमें मुझे ऐड करनी है ये हरी मिर्च। हरी मिर्च पीस के बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं लगेगी, मसाले में ये मिल जाएगी। और हम हल्का सा इसमें नमक ऐड करेंगे। देखिए अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये मसाला मैंने मिक्सी से पीस लिया है। इस तरह से आप भी पीस लेंगे इस मसाले। ये देखिए ये मसाला मैंने पीस लिया है अच्छे से। ये मसाला जब अच्छे से ये पीस जाएगा तो उसमें अच्छा लगेगा। भरमा करेले में या भरमा हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें मसाले का ही सबसे ज़्यादा अच्छा रोल होता है। उसको ही हमें सही से ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हमें उसको तैयार करना है। ये देखिए खड़े मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने पहले हल्का इसको रोस्ट कर लिया और अब मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये मसाला अच्छे से हम अब इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे, तब तक हम करेले तैयार करते हैं। करेले को हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको गर्म पानी में हल्का हल्का उबाल लेना है। तो हम गर्म पानी रखते हैं। ये देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, मैंने कुकर लिया है, इसमें मैंने पानी गर्म हल्का किया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी।
नमक से क्या है करेले का हल्का कड़वापन खत्म हो जाता है। और ये मैंने करेले धुल के तैयार कर लिए हैं, इनके किनारे कट करके। अब मैं इसको इसमें हल्का हल्का उबाल लूंगी। इस तरह से मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी जिससे कि ये अच्छे से पक जाएंगे। इसमें इस तरह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी। देखिए जब तक करेले उस पानी में उबल रहे हैं तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले भूनने के लिए हमें तेल डाला है। इसमें कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अच्छे से तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे जब इसमें, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए जीरा भून गया है। अब हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग से काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है खाने में। चुटकी भर मेथी डालेंगे। और मसाले को हम तेज आंच पे अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी जीरा भुन गया है, मेथी भी भुन गई है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। देखिए हल्दी हमारी भुन गई है। अब इसमें हम धीरे धीरे मसाला डाल देंगे। ये देखिए हमने सारा मसाला ले लिया है। अब इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। गैस हमने तेज आंच पे रखी है। ये तेज आंच करके ही हमें इसको अच्छे से भूनना है। इस तरह से चलाते हुए मसाला हमारा अच्छे से पक जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे, मैंने सब्जी मसाला ये लिया है। देखो 2-3 चुटकी हमने सब्जी मसाला यूज़ किया है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से, जब तक इसमें हल्का सा तेल ना छूटने लगे, मसाला पक जाता है तो तेल छूटने लगता है, और जब तक इसमें तेल ना छूटे तब तक हम इसे इस तरह से चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए लाल हो चुका है, बहुत अच्छे से ये भुन गया है हमारा मसाला। और देखिए तेल छूटने के लिए देखिए इस तरह से इसमें, ये देखिए जो तेल दिख रहा है ये इस तरह से तेल दिखना है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयली नहीं करा है कि तेल बिल्कुल बाहर निकल के आ रहा है, लेकिन ये मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, जैसे कि ये जो कड़वापन है करेले का वो कम करेगी और टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि मीठा हो गया। थोड़ी सी गुड़ हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी जब हम करेले फ्राई करेंगे उस वक्त डालेंगे। बस इसे अच्छे से हम मिला के और मसाले को हम उतार लेते हैं। करेले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम एक एक करके थाली में निकाल लेंगे। एक बर्तन में निकाल के हम इसको अच्छे से रख लेंगे। ये देखिए मैंने करेले निकाल लिए। अभी इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। क्या करेंगे, देखिए मैंने ये मसाला इसमें कर लिया है, तैयार हो गया था ये। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमने करेले उबाले हैं उसको इस तरह से बीच में चीर लेंगे और इसको इस तरह से खोलते हुए, ये अभी गर्म है तो इसको चम्मच की हेल्प से इस तरह से इसके बीजे निकाल देंगे। सारे बीजे निकल जाएं या एकाध रह जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे करेले को इस तरह से चीर के और इसमें से बीजे निकाल देंगे। ये देखिए
इस तरह से ये भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए हमने सारे करेले इस तरह से तैयार कर लिए हैं बीजे निकाल के। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। जो मसाला हमने बनाया है इस तरह से हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। जितना मसाला इसमें आ जाएगा हम उतना उसमें भर के अच्छे से, ये देखिए हम इन्हें तैयार कर लेंगे सारे करेले को इसी तरह से। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। हम इसे बिल्कुल अचार की तरह यूज कर सकते हैं। इसे रख के काफी दिनों तक ये चलते हैं। करेले तो वैसे भी बहुत चलते हैं, खराब नहीं होते बहुत जल्दी, और फ्रिज में रख के तो ये और भी ज्यादा दिनों तक रखे जा सकते हैं और इनके खाने का आनंद लिया जा सकता है। भरमा करेले बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अचार की तरह, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इनमें। इस तरह से हम मसाले पूरे भर लेंगे, ये देखिए। देखिए हमने सारे करेले इस तरह से भर लिए हैं, ये देखिए इस तरह से हमने सारे करेलों को तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई लेंगे जिसे गैस पे गरम होने रख देंगे हम। तेज आंच पे गैस पे इसको गरम करेंगे। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। करेले हमें अच्छे से फ्राई करने हैं इसलिए हम तेल सही से ले लेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। देखिए तेल गरम हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे। थोड़ी सी मेथी डालेंगे, दो चुटकी जीरा और एक चुटकी मेथी। और चार चुटकी हम इसमें हींग डालेंगे। देखिए मसाला हमारा तैयार हो रहा है अच्छे से। ये देखिए हमारा जीरा मेथी और हींग अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसमें हम धीरे धीरे करेले डालेंगे। देखिए जीरा हींग भून के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये जो बचा हुआ मसाला है करेले का वो इसमें डाल देंगे। बचे हुए मसाले को इस तरह से भून लेंगे और इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक हमने थोड़ा सा मसाले में भी डाला हुआ है, पर करेले थोड़ा सा बाहर से जो उसकी लेयर है वो थोड़ी सी मोटी है, इसलिए हमें नमक इसमें और डालना होगा थोड़ा। ये देखिए अब इसमें हम एक एक करके करेले डाल देंगे। ये देखिए हमने करेले सारे इस तरह से रख दिए हैं। अब इनको बहुत हल्के से इस तरह से चलाते हुए, और ये जो बड़े करेले हैं हम इसको कढ़ाई में इस तरह से कट कर देंगे। पहले से कट नहीं करना था, इस तरह से कट कर लेंगे और इनको पहले हम थोड़ा सा मसाले में इस तरह से भूनने देंगे। देखिए अब इसको हम ढक देंगे। देखिए करेलों को हम इस तरह से ढक देंगे, हल्की आंच पे इन्हें पकने देते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्के हल्के ये लाल हो जाएंगे। इन्हें अभी पकाना है, और लेकिन हम इससे पहले इस गुड़ को इस तरह से चूरा करते हुए इसमें फैला देंगे। फैलाते हुए डालेंगे जिससे कि सब तरफ मिल जाए, और फिर इसको हम ढक के थोड़ा सा और पकाएंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारे करेले तैयार हो चुके हैं। वाओ,